रामगढ़ में झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन ने बंद के दौरान जगह जगह टायर जलाकर प्रदर्शन किया है। बंद का समर्थकों ने सड़क पर जमकर नारेबाजी की और इसी दौरान रांची पटना फोर लेन सड़क पूरी तरह से जाम हो गई है। छात्रों ने 60-40 नहीं चलने का काला कानून वापस लेने की मांग की है। इसी दौरान छात्रों ने सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की है और समर्थकों ने आगजनी की है। टायर जलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया, हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। और तस्वीरें रामगढ़ की, जहां पे टायर जलाकर झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने प्रदर्शन किया है, जमकर वो नारेबाजी भी कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कैसे टायर जलाकर समर्थक का 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी वजह से पूरे सड़क पे जाम लग गई है। स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले पूरे झारखंड में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज रामगढ़ जिला के कोठार चौक में रोड जाम किया गया, जिसमें झारखंड सरकार के द्वारा जो काला कानून लाया गया है, जो 60-40 वो कदम झारखंडियों के हित के लिए ये कानून नहीं है। इसी को देखते हुए आज झारखंड के चप्पा चप्पा बंद है, उसी का समर्थन में आज हम लोग कोठार चौक में बंद किए हुए 60-40 ना चलतो काला कानून वापस ले। हेमंत सोरेन होश में आओ। जी अभी जो फिलहाल हम लोग के झारखंड राज्य में 60-40 का जो नीति लागू किया गया है वो हम लोग को कभी मंजूर नहीं है और इसी के विरोध में हम लोग झारखंड बंदी का आह्वान किया गया। पूरा झारखंड आज बंद है। आज रोड जाम किया गया, जिसमें झारखंड सरकार के द्वारा जानकारी के लिए हमारे साथ रामगढ़ से महावीर जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। जी महावीर, अभी क्या वहां पे हालात है? रामगढ़ में आगजनी की घटना सामने आ रही है, स्टूडेंट्स यूनियन के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जी रामगढ़ में झारखंड स्टेट यूनियन स्टूडेंट यूनियन की रामगढ़ शाखा ने आज रामगढ़ बंद के दौरान आज पूरा झारखंड को बंद बुलाया है अपनी मांगों को लेकर। और इसको लेकर जो रांची पटना फोर लेन सड़क है उसको जगह जगह जाम कर दिया गया है। कोठार जो पुल है उसके समीप टायर में आग लगाकर सड़क के बीचों बीच रख दिया गया है, आने जाने वाले वाहन को रोक दिया गया है और अपने मांगों के लिए वो जबरदस्त तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि 60-40 का जो सरकार का रवैया है उसको नहीं चलने देंगे, काला कानून वापस लो और हेमंत सोरेन के नाम लेकर जमकर नारे उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। स्टूडेंट का कहना है कि जब तक काला कानून जो राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है स्टूडेंट को नजरअंदाज किया जा रहा है, स्टूडेंटों की मांगों को लगातार आश्वासन देने के बाद भी नहीं मांगनी जा रही है और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा वो लोग अपने आंदोलन पर अड़े रहेंगे। और आज उन लोगों ने इसके खिलाफ झारखंड बंद बुलाया है, जिसका रामगढ़ जो शहर है उसमें तो अभी असर नहीं देखा जा रहा है क्योंकि अभी दुकानें खुली नहीं है, सुबह का समय है। और लेकिन जो फोर लेन सड़क है, जितने भी हाईवे सड़क रामगढ़ से होके गुजरती है, रामगढ़ पटना रांची पटना रोड हो गया, हजारीबाग रोड हो गया, इन सड़कों पर जगह जगह पर टायर चलाकर स्टूडेंट लोग सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिए हैं और सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंस गई है। जी महावीर, छात्र आर पार के मूड में लग रहे हैं। जी छात्र पूरे आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में लग रहे हैं और उनका साफ कहना है कि जब तक 60-40
का नियम नहीं बदलेगा, ये उनके लिए काला कानून है और तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे और राज्य सरकार को जब तक फोर्स में नहीं ला देंगे वो लोग आंदोलन करते रहेंगे। उनकी एक ही मांग है कि जो 60-40 का जो काला कानून पास किया गया है उसको हटाया जाए और स्टूडेंट के हक में स्टूडेंट से वार्ता करके उसको लागू किया जाए और जब तक स्टूडेंट की मांगे नहीं मानी जाएगी इसी तरह का वो आंदोलन करते रहेंगे और इसीलिए उन्होंने बड़ा कदम उठाते हुए आज झारखंड बंद बुलाया है और रामगढ़ में उसका खासा असर देखा जा रहा है। जितनी भी 4 लेन सड़कें हैं जाम है, लोग परेशान है, सुबह से ही सैकड़ों गाड़ियां 4 लेन सड़क पर फंसी हुई है, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि एम्बुलेंस 2-3 एम्बुलेंस को देखा गया, स्टूडेंट खुद एम्बुलेंस को पार करते देखे गए कि एम्बुलेंस को नहीं रोकना है और इसके अलावा किसी भी गाड़ी को आने जाने नहीं देंगे। दर्जनों गाड़ी नहीं बल्कि सैकड़ों गाड़ियों की लाइन यहाँ लंबी लग चुकी है जी। और वो अभी भी नारेबाजी कर रहे हैं जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।